ये सोबत का बड़ा असर है। एक जगह पर मैं गया तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप क्या, आपका बिजनेस क्या है। एक आदत रहती है कि भाई किसी की आप तारुफ होती है तो आपका तारुफ होता है तो आप पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस क्या है। तो मैंने एक दोस्त को पूछा था, आ रहे थे हम एक सफ़र से और ये यहीं का साकिन है, तो मैंने पूछा कि भाई आपका बिजनेस क्या है। तो उसने कहा कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं पहले तो शर्मा गया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के जो आसार थे मैंने देखे। उसने कहा कि मेरा बिजनेस है शराब बेचना। मैं आपके सामने झूठ तो नहीं बोलता हूँ, मैं आपको सच बोल देता हूँ, मेरा बिजनेस है शराब बेचना। तो ये कहा कि उसने ऐसे ही कह दिया, मेरा बिजनेस है शराब बेचना, मैं शराब बेचता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया, मगर उसके दूसरे जुमले ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। दूसरा जुमला उसका ये था कि बापू दुआ करना। हकीकत है, यह हकीकत है, ये मेरे सामने एक वाकया है और यह हकीकत है। शराब बेचने वाले आते हैं और कहते हैं कि बापू दुआ करना। मैं अपने आप पर हो या इन पर हो, या अपने गुनहगार हैं, सियाकार हैं, वाले दिन को परेशान करते आते हैं, कहते हैं दुआ करें, परेशानी में मुब्तला है वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, शराब बेचने वाले, ये शराब बेचने वाला कहते बापू दुआ करें। आप अपने आप से पूछे, हम अपने आप को पूछे कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं। हकीकत है कि हुकूमत की तरफ से यही कहा गया है कि इन लोगों को शराब में डाल दो, नशों में डाल दो इन लोगों को। हर कोई ऐसी नशा और चीज नहीं है जिसमें हम गिरफ्तार नहीं है। और आकर कहते हैं मस्तान बाबा की सुन्नत है, मस्तान बाबा की सुन्नत है, लगाते चलम दो, नहीं लेगा अगर तू चलम तो मजार वाले नाराज हो जाएंगे। आंखों से देखा है, कहते हैं आप चलम नहीं लेंगे। मजजूब को एक आड़ बनाया जाता है, मजजूब जो होते हैं अल्लाह के वाले, उनको आड़ बनाया जाता है, महफिल लगाते हैं। जिसकी जिस्म के अंदर शराब का एक कतरा आ गया वो जहन्नम में जरूर जरूर जाएगा। हमने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन इमाम सुयूती फरमाते हैं, इनसे रिवायत है कि जो शराब पीने वाला होगा उसका हालत ईमान में मौत नहीं, उसके हालत ईमान में उसकी मौत नहीं होगी, ईमान के साथ उसकी मौत नहीं होगी, पूरा खात्मा होने का डर है। वालिदिन के नाफरमानी वाले के लिए भी आपने यही फरमाया, शराब बेचते हैं, चलम पीते हैं, बुजुर्गों का नाम बदनाम करते हैं, ये तमाशा ना लगाया जाए। और ये हम तमाशा देखने वाले देखते हैं, हम खामोश रहते हैं, ये हम सबको हिसाब देना है, हिसाब देना है। चलम पीता हूं और हम उसको देख के मुस्कुराए, वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है, हिसाब देना है। तो इतनी जितनी भी बुराइयां हैं इसके खात्मे के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा।